आपको पता है कि 2 दिन पहले हमने यहाँ प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की कार्रवाई शुरू की थी पुंछ में। इसी दौरान हमने एक रेजिडेंशियल हाउस देगवा तेरमा में फ्रीज किया है 68F NDPS एक्ट में। ये प्रॉपर्टी ड्रग पेडलर्स की, ड्रग डीलर्स की प्रॉपर्टी थी। इन्हीं ड्रग डीलर्स की हमने एक JCB मशीन भी हमने फ्रीज करवाई है कल, और साथ में इनकी एक और गाड़ी जो है वो फ्रीज हुई है। टोटल मिला के इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख 87 लाख रुपीज़ है। ये अपने आप में पुंछ में ये पहली ऐसी कार्रवाई है। इसी के चलते मेंढर पुलिस ने भी इसी तरह की एक कार्रवाई की है। उन्होंने एक डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस फ्रीज करवाया है थोड़े दिन पहले, और साथ में 2 गाड़ियां, एक आल्टो और एक टाटा मोबाइल, वो भी फ्रीज करवाई है। तो इस तरह की कार्रवाइयों में हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई की हैं। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी। ये क्रूसेड जो है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ ये जारी रहेगा। आपने देखा पिछले दिनों, चंद दिन पहले हमने 256 ग्राम हेरोइन मेंढर पुलिस ने पकड़ी थी, 130 ग्राम कोकेन पुंछ पुलिस ने परसों यहाँ से सीज की है। टोटल मिला के आप देखें, अभी तक इसी साल हमने 47 FIRs NDPS एक्ट में दे दी हैं, और जिसमें हमने 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोटल 87 kgs हीरोइन आपके पुंछ में रिकवर हो चुकी है। ये अपने आप में पिछले चंद दिनों, चंद सालों के साथ अगर कंपेयर करें तो ये रिकॉर्ड NDPS के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है, ये एक नया रिकॉर्ड हमने यहाँ पर कायम किया है। प्रॉपर्टीज़ के जहाँ तक ताल्लुक है, हमें लगा कि NDPS में जब हम सिर्फ जो ड्रग पैडलर्स हैं या जो लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब उनको गिरफ्तार करते हैं, उससे ये हमारा जो इनके खिलाफ जो क्रूसेड है वो आयाम तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमने अब इनकी प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये लोग इस कारोबार में पड़ते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करके फ्रीज करना शुरू कर दिए। क्या इसमें जिन लोगों की ये प्रॉपर्टीज़ फ्रीज हुई हैं, सारे के सारे यहीं पे और अरेस्टेड हैं। इनके खिलाफ FIRs लग चुकी है। जो हमने, जो देगवा तेरवा में जो हमने घर फ्रीज किया है और जो व्हीकल्स हमने फ्रीज किए हैं, ये लोग 24 किलो हेरोइन की सीजर में इन्वॉल्व थे। 24 किलो, 15 लाख रुपया इनके कब्जे से जब्त हुआ था, यानी कि ये बड़े ड्रग डीलर्स थे। सिमिलरली जो मेंढर में जो हमने डबल स्टोरी मकान जो फ्रीज करवाया और जो गाड़ियाँ उनकी फ्रीज करवाई, ये भी बड़े ड्रग डीलर जो थे। अक्सर ये सवालिया निशान लगता था कि बड़े ड्रग डीलर जो हैं वो पुलिस के शिकंजे से बच जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बच जाती हैं। उसी का एक स्ट्रांग मैसेज पूरे पुंछ में हमने देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पुंछ में फ्रीज होंगी, जिससे पूरे पुंछ की आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। सर, टेररिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की तरफ से, हमारे नेबर कंट्री की तरफ से बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो रही हैं। वो आपने देखा होगा कि टोटल 87 kgs हीरोइन का यहाँ पर रिकवर होना, ये अपने आप में एक इस चीज़ को, इसका प्रमाण है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश वहाँ से ड्रग को पुश करने की हो रही है। और ये सीजर ये बताता है कि पूरी एजेंसीज, इसमें जो फ्रंट पे आर्मी है, हिंटरलैंड में जो पुलिस है, बाकी सारी इंटर एजेंसीज हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बहुत पुख्ता है, आला दर्जे की है, और सारे के सारे अलर्ट हैं इस चीज़ को लेके बहुत सारे। आप बफलियाज वाले केस की बात कर रहे हैं। बफलियाज में हमने हमारे पास एक बड़ी स्पेसिफिक इनपुट आई थी, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का रेफरेंस आया था। उस गाड़ी की जब हमने डेरा की गली से, जब बफलियाज पे एक स्पेशल सरप्राइज नाका हमने लगाया था, वो गाड़ी की जब सर्च के दौरान 2 पिस्टल्स रिकवर हुई थी, साथ में कुछ राउंड्स थे और कैश रिकवर हुआ था 2.5 लाख। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। फिर हमने फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एक आदमी और गिरफ्तार हुआ। उस इन्वेस्टिगेशन में नारकोटिक्स के डायरेक्ट ताल्लुका तो नहीं उसमें, लेकिन उसमें LET के मॉड्यूल के रेफरेंसेस सामने आए हैं, और जहां पाकिस्तान की तरफ से वो कंसाइनमेंट हमारे इस तरफ भेजी गई थी, और उसके रेफरेंसेज भी उस इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते थे कि जिन जो लोग गिरफ्तार होते हैं 2 साल 3 साल की बाद, वो लोग फिर से वापस आ जाते हैं, उनके मकान, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके घर, उसी तरह से आप देखें कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग बाकी लोगों के लिए भी ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमिना चल रहा था कि इन लोगों की प्रॉपर्टीज और जो इनकी जायदाद है उस पर कोई हाथ नहीं डालता है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। बहुत इसमें फ़र्क पड़ा है। आपने देखा पिछले दिनों हमने इस पुंछ ज़िले में इसी साल में अभी तक 10 PSA हम कर चुके हैं, 8 पिट NDPS, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारा एवरेज पिट NDPS पुंछ ज़िले में
2017-18 के बाद हम पिट एनडीपीएस, आप देखेंगे सिर्फ 2022 में 3 हुए थे, 2021 में 1 हुआ था। पिट एनडीपीएस स्पेशल पीएसए है जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग डीलर्स उन लोगों के खिलाफ लगता है जो एफआईआर्स में जिनका जिक्र नहीं आता, जो पीछे बैठ के ये कारोबार चलाते हैं। ये पिट एनडीपीएस में 8 लोगों का पीएसए इस तरह से होना और 10 लोगों का पीएसए, टोटल 18 पीएसए इस लिहाज में होना अपने आप में एक मिसाल है। इसके अलावा 146 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए हैं आपके पुंछ जिला में। कुल मिला के बड़ा स्ट्रांग प्रोसीड जो है हमने लॉन्च किया है पुंछ में ड्रग्स के खिलाफ।